नेपालदेशे तीव्रता दृष्ट्या चतुर्दशमलावाधिक षड्मितात्मके भूकंपे प्रायः अशीतिजनाः मृताः चत्वारिंशदधिकैकशतसंख्याकाः जनाः आहताः। भारतं तत्र सर्वसहायतार्थं सन्नद्धं। दिल्लीं समेत्य अपि भारतस्य उत्तरपूर्ववर्ती भागेषु अपि अर्धरात्रौ भूकंपस्य तीव्रः आघातः अनुभूतः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन देशीय प्रधानमन्त्रिणा ऋषि सुनकेन सह दूरभाषपरं संवादं विहितवान्। द्विपक्षपराणि प्रकरणानि समेत्य पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये अपि द्वाभ्यां नेतृभ्यां विहिता चर्चा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेशयोः निर्वाचन प्रचारस्य गतिः तीव्रतः तीव्रतरा जायमाना। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुर्ग रतलाम नगरयोः जनसभाः समायोजयेत्। राहुल गांधी च जगदलपुर खरसिया क्षेत्रयोः प्रचाराभियाने स्याद्दृष्टिगतः। अद्य अमित शाह मध्य प्रदेश से शिवपुरी नगरे जनसभा रथयात्रा च विधातुं तत्परः। भाजपा इत्येतत् दलाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ अपि रीवा सेमरिया सहितेषु अनेकेषु क्षेत्रेषु जनसभां कुर्यात्। मल्लिकार्जुन खड़गे अपि विदध्यात् प्रचारम्। दिल्ली विषधूमस्य घने स्तरे निमग्ना। वायुगुणवत्ता सूचकांकः गंभीरश्रेण्यां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं समेत्य उत्तर भारतस्य अनेकानि नगराणि अपि प्रदूषणेन प्रपीडितानि। इज़राइल देशः अस्थायी युद्ध विरामस्य अस्वीकृतवान् आह्वानम्। तेन उक्तं हमास इत्येष आतंकी समूह तावत् प्रथमं अपहृतान् सकलान् अपि इज़राइल वास्तव्यान् प्रत्यर्पयेत्। अथ क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायां द्वौ संघट्टौ जायेते। न्यूजीलैंड दलं पाकिस्तान दल विरुद्धं तथा इंग्लैंड दलं ऑस्ट्रेलिया दल विरुद्धं क्रीडितुं तत्परे। ह्यः क्रीडिते संघट्टे अफगानिस्तान दलेन तावत् नीदरलैंड दलं पराजितम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं समेत्य संपूर्णोत्तर भारते तीव्र भूकंपः अनुभूतः। नेपालदेशे रिक्टर स्केल इत्यस्य मानांकने 4.6 तीव्रता अंकिता, अपि च भूकंपे प्रायः 80 जनाः मृताः, 44,100 जनाः तत्र व्रणिताः अपि। तावत् भारतेन सर्वविधसाहाय्याय नेपालदेशः आश्वासितः। अपरत्र बिहारे उत्तर प्रदेशे अथ पूर्वोत्तर भारते अपि भूकंपस्य आघातः ह्यः रात्रौ अनुभूतः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अथ ब्रिटेन देशस्य वस्तुतः प्रधानमंत्री ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्रिणं ऋषि सुनकं सम्मिल्य दूरभाषेण संवादं कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी ऋषि सुनकाय तस्य कार्यकालस्य एकवर्षस्य सफलपूर्त्यवसरे शुभकामनाः दत्तवान्। द्विपक्षपराणि प्रकरणानि समेत्य पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये अपि द्वाभ्यां नेतृभ्यां चर्चा विहिता। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी रक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रेषु व्यापक रणनीतिक सहभागितां दृढां कर्तुं प्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेशयोः जनसभायै गच्छेत्। प्रधानमंत्रिणः प्रथम जनसभा छत्तीसगढ़स्य दुर्गे भूयात्। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़स्य दुर्गे प्रचारात् परं मध्य प्रदेशस्य रतलाम नगरं प्रति गच्छेत्। अत्र मध्याह्ने त्रिवादने तस्य जनसभा भवेत्। मध्य प्रदेशे नवंबर मासस्य 17 दिनांके एकस्मिन्नेव चरणे सर्वेषु 30,200 विधानसभासनेषु निर्वाचनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ऐषमः वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य आयोजनस्य उद्घाटनं कृतवान्। एषः कार्यक्रमः प्राशासनिक निकायेभ्यः उद्योग निपुणेभ्यः कृषकेभ्यः उद्यमिभ्यः अन्यहितधारकेभ्यः च सहभागिता स्थापनार्थं कृषि खाद्य क्षेत्रे निवेशाय पारस्परिक सुदृढ संपर्काय च व्यापार मञ्चं प्रदास्यति। खाद्य क्षेत्रे निवेशं प्रारब्धुम् एतस्मिन् कार्यक्रमे उपवेशनानि आयोज्यन्ते। वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटन कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् गत नववर्षेषु प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्षेत्रे भारतेन अभूतपूर्व प्रगतिः आप्ता अस्ति इति। अवधातव्यमस्ति यत् साम्प्रतं देशस्य कृषि निर्यात प्रक्रमः वैश्विक स्तरे सप्तम स्थाने अस्ति। पिछले 9 वर्षों में
हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है, 13 to 23. 9 सालों में प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है. आज हम 50,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ह्यः वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य कार्यक्रमस्य भव्य प्रारंभ विषये प्रसन्नतां प्रकटयन् उक्तवान् यत् अत्र एकाशीति देशाः सहस्रतः अधिकाः प्रतिनिधयः द्विशततः अधिक वक्तारः पञ्चाशत्तः अधिकाः जनाः अन्यस्मिन् ज्ञानसत्रे अपि भागं गृह्णन्ति इति. केन्द्रीय मन्त्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रं विगतेषु नववर्षेषु प्रतिशतं 50.5%-मितया वृद्ध्या प्रगतिपथे समारूढमस्ति इति. 81 देश इसमें भागीदार होंगे. 1,000 के आसपास खरीददार जिनको हम कहते हैं, उसमें तमाम लोग होंगे, इंडस्ट्री होगी, नॉलेज पार्टनर्स होंगे. 200 इसमें वक्ता हैं, 50 से ज़्यादा नॉलेज सेशन इसमें होंगे. अच्छी बात यह है कि आज भाषण में उन्होंने थीम रख दी है. उन्होंने कहा है कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी का जो फ्यूजन है वो दुनिया को भुखमरी से बचाएगा. भारत का उसमें बड़ा योगदान है और इसलिए उन्होंने मिलेट्स की बात की है और मिलेट्स बेस्ड जो चीज़ें हैं हमारे खान पान का हिस्सा बननी चाहिए. भारत में हमारा छोटा किसान और जो लघु उद्यमी हैं और खास करके महिलाएं, ये हमारे आधार स्तंभ हैं. दिल्ल्यां आयोजितायाः राष्ट्रियस्तरीय कला प्रदर्शन्याः उद्घाटन समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् जैव विविधतायाः संरक्षणाय समाजेन प्रशासनेन च सम्मिल्याचरणीयम् इति. इतः पश्चात् राष्ट्रपतिः आदिवासीनां हिताय प्रशासनोत्थापितान् प्रयत्न जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र और समुचित विकास के लिए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना कार्यान्वित है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ आजीविका और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है. पिछले 10 वर्षों में जनजातियों का जो मंत्रालय का बजट लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है. ये जनजातीय समाज और उनके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. भारत की परंपरागत एवं जनजातीय ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने CSIR के साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी किया है. अद्य कांग्रेस दलम निर्वाचन प्रचार क्रमे विशेषतः सन्नद्धम अवलोक्येत. महासंपर्क अभियान क्रमे दलाध्यक्षः अद्य मल्लिकार्जुन खड़गे त्यसो बालाघाट डिंडोरी क्षेत्रयोः प्रचार कार्यं कुर्यात्. प्रियंका गांधी मध्य प्रदेशस्य आदिवासी कुक्षी क्षेत्रे जनसभां विदध्यात्. एतदतिरिच्य अन्ये अपि प्रदेश नेतारः तत्र प्रचार कार्ये निमग्नाः भवेयुः. केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपादलनेता अमितशाह ह्यः छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनार्थं भाजपादलस्य घोषणापत्रं प्रस्तुतवान्. घोषणापत्रे दलेन राज्यस्य जनता समक्षम् अनेकानि वचनानि प्रस्तुतानि. तदन्तर्गतं एकैकोढमहिलार्थं प्रतिवर्षं 12,000 रूप्यकाणां प्रदानम्, 18,00,000 प्रधानमन्त्रि आवासयोजनायाः गृहाणां प्रापणम्, अतिरिक्तसङ्ग्रहार्थं 5,00,000-4,000 रूप्यकाणां धनप्रदानम्, आयुष्मान् भारत इत्येतां योजनामुद्दिश्य 10,00,000 रूप्यकाणां स्वास्थ्ययोजनाप्रापणं, 500 नूतनजनौषधिकेन्द्राणां स्थापनं, वातिन्धनमूल्ये 500 रूप्यकमितं निर्धारणम्, अथ महाविद्यालयीयछात्रेभ्यः बसयानस्य सौविध्यप्रापणम् इत्येतानि वचनानि मुख्यास्पदत्वं भजन्ते. इज़राइल देशः अस्थायी युद्धविरामस्य आह्वानम् अस्वीकृतवान्. इज़राइल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहू इत्येतेन उक्तं यत् हमास् इत्येष आतंकी समूहः
तावत् प्रथमं अपहृतान् सकलान् अपि इज़राइल वास्तव्यान् प्रत्यर्पयेत् तदनन्तरमेव वयं युद्धम् अवरोद्धुं शक्नुमः इति। अद्य क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायां द्वौ संघट्टौ जायेते। एकत्र न्यूजीलैंड दलं तावत् पाकिस्तान दल विरुद्धं क्रीडेत्। अथ इंग्लैंड दलं ऑस्ट्रेलिया दल विरुद्धं क्रीडितुं तत्परं स्यात्। वस्तुतः एतस्यां प्रतियोगितायां एतस्मिन् क्रमे इंग्लैंड दलस्य स्थितिः अत्यन्तं निकृष्टा अस्ति, परं ऑस्ट्रेलिया दलाय अद्यतनी स्पर्धा महत्वपूर्णा अस्ति। ह्यः तावत् क्रीडिते संघट्टे अफगानिस्तान दलेन नेदरलैंड दलं सरलतया पराजित्य उपान्त्यचक्रे स्वसंप्रवेशस्य आशा सबलीकृता अस्ति। प्रियवीक्षकाः, वार्तावरी कार्यक्रमस्य अभिनवांकस्य प्रसारणम् अद्य अर्थात् शनिवासरे सायं सार्धषड्वादने भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे अर्थात् श्वः प्रातः सार्धसप्तवादने भविता। संपूर्ण देशात् मृत्तिकां समवाप्य अस्याः अमृतवाटिकायाः निर्माणं परिवर्धनं च जायमानमस्ति। पूरा शास्त्र ही विमान अभियंत्रिकी को लेकर के है। जो हम पढ़ते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, फ्यूजलाज होता है, रडर होता है, एलिवेटर होता है, एरॉन्स होते हैं, ये सब ज्ञान जो है उस वैमानिक शास्त्र में बहुत ही डिटेल में पहले से ऑलरेडी दिया गया है। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।